नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में गणेश जी के दर्शन होने से खुलते हैं तरक्की के रास्ते, मिलता है शुभ समाचार। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारियां समय से आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सपनों की रहस्यमय दुनिया भले ही हमारी समझ से परे हो, लेकिन इसका असल जिंदगी में कितना प्रभाव पड़ता है, इस बात का जिक्र शास्त्रों में विस्तार से किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सपनों में दिखाई देने वाली हर चीज शुभ और अशुभ को लेकर संकेत देती है। सपने बुरे और अच्छे दोनों तरह के होते हैं। जैसे सपने में भगवान के दर्शन होना शुभ माना जाता है, इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं कि सपने में प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी को देखना कैसा स्वप्न माना जाता है, इसके क्या संकेत होते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने सपने में गणेश भगवान को देखा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनके तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। भगवान श्री गणेश को सुख समृद्धि और बुद्धि का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सपने में श्री गणेश जी के दर्शन होना आम बात नहीं है, इसका मतलब है कि गणेश जी की कृपा आप पर बरसने वाली है। उनके आशीर्वाद से जल्द ही आपके घर कोई मांगलिक कार्य भी की शुरुआत हो सकती है, या फिर आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भगवान गणेश के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि कितना शुभ होता है सपना। ये जो स्वप्न गणेश जी का आता है, ये व्यक्ति के लिए कितना शुभ होता है। तो शास्त्रों के अनुसार सपना कितना शुभ और फलदायी होता है, यह स्वप्न के समय पर निर्भर करता है। दोपहर में सोते समय सपनों का लाभ नहीं मिलता है, वहीं रात्रि में 12 से 3 बजे के बीच सपने आना शुभ माना जाता है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में गणेश जी का सपना देखा जाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसका फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। इनसे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आपको भी सपने में कुछ ऐसे सपने आते हैं तो उनको आपको गुप्त रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सपनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से उनका फल नहीं मिलता। अगर सपने में गणेश भगवान के दर्शन होते हैं तो इस बात को किसी को नहीं बतानी चाहिए, ऐसा करने से इसका शुभ फल नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई शुभ स्वप्न आया है जिसका मतलब आपको पता है, जैसे कि सपने में भगवान गणेश को देखना, तो ऐसे सपनों को किसी के साथ साझा नहीं करें, किसी से भी इसका जिक्र ना करें, वरना इसके जो शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं वह नष्ट हो जाते हैं, फिर इसका कोई परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सपने में भगवान गणेश को देखने का क्या मतलब होता है, इसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन